लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन एमपी में बीजेपी की इस जीत ने पार्टी को नुकसान में डाल दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम से बीजेपी विधायक लोकसभा चुनाव में विजयी होकर सांसद बन गए। बीजेपी विधायक की जीत के साथ ही अब यहां विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी और मजबूत हो गई है। बीजेपी ने झाबुआ से बीजेपी विधायक जे एस डामोर को लोकसभा का टिकट दिया था और रतलाम लोकसभा सीट को कांग्रेस से छीनकर सांसद बन गए। अब डामोर को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वो विधायक पद से अपना इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा में संख्या बल 229 का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के लिए 115 सीटों की जरूरत होगी। ऐसे में 114 विधायकों वाली कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विधानसभा में बहुमत साबित में कांग्रेस को आसानी होगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।